सब लोग हमरा के गांवन में जाके जब हम गांवन में पहुंचले तो हमरा के बेभैलुआ कह के बुलावेला। लेकिन ई ना समझम रउआ लोगन कि एकर नाम बेभैलुआ बा तो एकर गांव में भैलू ना हो। भैलू हमर बा, गांव में हमर भैलू बा, लेकिन दुलार प्यार से बाबूजी हमर नाम रख दिल बेभैलुआ। हम मधु भैया के साथे खेती बाड़ी के काम करी ले। आज देखा था नहीं कि खेत में काम करे के टाइम आ गई, पानी आ गई बा, खाद छीटल दवाई छीटल खेत में जरूरी है। हमर इंतजार मधु भैया करत हुई कि अभी तक ले बेभैलुआ ना आई। पहले चल के हम बेभैलू मधु भैया से मिले आ एगो खुशखबरी बड़ा बढ़िया आयल बा हमरा मोबाइल में। बहुत दिन के बाद बड़का भैया मास्टर साहब कलकत्ता बच्चा पढ़ावलन हाई स्कूल। आज बड़का भैया हमरा मोबाइल में फोन कर ले बड़े की भैलू जाके हमरा मधु भाई से हमरा घर में जितना सदस्य बा परिवार से सबसे कह दिया कि हम 10 मिनट में घरे पहुंचे वाला बा। आज बड़का भैया कलकत्ता से घर आ रहा बड़े आ ई खुशखबरी हम अभी केहू के नहीं के बताइले। सबसे पहले हम मधु भैया के बताए चल तबे भैलुआ। पहले मधु भैया के पास चार करत हुई कि अभी तक ले बे भैलुआ ना आई। ए मधु भैया, ए मधु भैया, हमारा नाम मधु पड़े, हमारे को यार बाज हमरा के नाम बे भैलुआ। लेकिन अचानक सबसे पहले खेत में हुए पहुंचेला। आज देखा था नहीं कि ये कैसे भेटने को चलता नहीं, हम देखा था नहीं कि कहने बाटे हो अगर भेटाए तो कैसे बात पता रखो गए हमने चल जाए सतुर वाला खेत में। मधु भैया हो लगा था भी भैलुए के आवाज लगा था। ए मधु भैया, ए भैलु, ए मर्दा हो भैलु। मधु भैया हां लेकिन आज हम बहुत खुश बानी। अरे काहे खुश बा रहो मर्दवा, जिंदगी में पहले बार में भइलुआ आज इतना खुश बा। जिंदगी में पहली बार कौन ऐसा खुशी हो, कौन ऐसा खुशी ना, अगर तू हो सुनबो तो हमरे तरिया तू हो खुशी हो जाएगा का हम हो खुश हो जाए। हाँ अरे मार दो तो लेट का है तो ये बात जल्दी बताओ ये कौन ऐसा खुशखबरी बा। खुशखबरी ये बा कि हम मोबाइल जब से चलावे लगने वाईफाई। वाईफाई? हाँ अरे मार दो मोबाइल तो देख ले बा लेकिन वाईफाई मोबाइल कौन हो रहा हो। जहाँ 5-10 गो उबारू बैठल रही ना वो लंग समझिया वाई फाई लागल। ये बात सही कह रहा हूँ तू, वही दरिया हम वाई फाई में बैठे रहनी तो वीडियो कॉल में बात भई। वीडियो कॉल में बात भई? हाँ केकरा से बात भई? लो लड़की से थोड़े भई बा। लड़की से तो वीडियो कॉल में बात करे ला हमारा आत्मा तरस गई। वही खातिर मोबाइल किनली वाई फाई लगैनी। आज ले कोनो लड़की वाई फाई में हमारा नाम मिलल। बड़का भैया वीडियो कॉल में बात कैलन हा। बड़का भैया घरे आवत तारन? बड़का भैया आज भैया घरे आवत तारन? कोलाइता बाजार में अभी 10 मिनट पहले उतरलक बस से। बस से उतरलक भैया? हां हमरा से कहलक। अच्छा कि बे भाईलू हां जाके पहले हमर छोट भाई मधु के ई बात सुना दिए हमरा के। हां भैया याद कर लिए? हां अरे बाबू लेकिन घर में केहू के पता नहीं थे। घर में भी केकरो नहीं बतेले। चलो चलो जल्दी बच्चा चलो हमनी बताओ चलो काम बिहान हो खेत में खान बिहान। हां आज भैया तो मेहनत कर रहे। ए भौजी बड़की भौजी छोटकी भौजी रानी बेटी मोहन बबुआ का बात है भैलू? कौन लगा तने भौजी खुशी लगे भैलू? वाह भौजी दिन पर दिन सब चिकनाल जाता।
जितने मेघौनी आई लोग बारसा हो रहा बा वही दरिया भौजी धान लेके हरियाता भौजी क्या बात है अभी ते घर में दुगो देवर बानी सब हां कि तोरा से मजाक करी ले कि तोरो टाइम पास हो जाओ ई बात तो ठीक है भैलू भैया के घर में न रहला पर तो तोहर दर्द तूहे बुझे थू हमरो जानकारी बा लेकिन आज हमनी के बहुत खुश बानी सब कितने जना बहुत खुश लगत रहे बे भैलू काय खुश बानी काय खुश बा इतना एई पहले बतावा कि घर में खाना बनल बा कि ना सब कुछ बन गइल बा के तैयार केहू के खाना नहीं के खाए के सुन लो भौजी सगियान तो सगियान लइका के खाना के नहीं के खाए के काहे बे भैलू ई ना पूछिए कि आज कोनो गोरा थका ऊ बात नहीं के हमनी के सोमारी नहीं के सहत भैया जब तक घरे ना आई तब तक हमनी खाना ना खाए तोर भैया बता रहा पांच मिनट में घरे पुगी है ई तो बड़ी खुशी के बात बतैला हो भौजी आ भैया एगो खुशखबरी तोरा ल अलगे कहलन कौन बा भैया हमरा से कहलक के बे भैलू तू अपना भौजी के अलगे हटा के आ कह दियो बहुत दिन बाद रहल बानी नहा वहा के तैयारी रह कौन लोग ना चले ना 10 बजे के बाद ना होए के तैयारी रहल अच्छा तुम तो सोमारे साल बड़े हुए हैं तना भैया के आउले काम कर बना के चलो कोनो बात नहीं के बिहान हुई मतलब बात जीत जल्दी देखो खाना बनाओ लगाओ भैया बहुत जल्दी है अब भैया के आने से पहले भैया के बैठे खातिर सब व्यवस्था कंच कर लो हां पानी वानी लेके सब तैयारी रहा भैया बहुत जल्दी आ गई है अरे वाह भैया आ गई मधुसूदन कह कैसन समाचार बा घर घर द्वार खेती बाड़ी सब कुशल मंगल बानू अरे भैया ये खेती बाड़ी के काम तो अपने के भाई जबानू अपने के टेंशन के लगा कोनो बात नहीं के बहुत अच्छा तरह से खेती बाड़ी हम कर रहल बानी आई जो ना भी धान के सीजन बा हमनी के देख ली खेत के बाली कितना अच्छा हरियाली दे दलबा मधुसूदन बारिश नहीं के होत ऐसे तनी चिंता रहेला कि जब बारिश ना होई तो हम किसानन के का होई ऐसे तनी चिंता रहेला आ फिर चिंता कहे के अरे जोना घर में मधुसूदन जैसन हमर भाई किसान बा हमरा चिंता कहे के बोलु कहले नहीं तोरा के किसानी के बातें छोड़ दी भैया सब ठीक बानु मधुसूदन के साथे जाके खेत में काम करो ना हां डट के हां हां भाई ये तोरा से उम्मीद बा दिन रात ट्रैक्टर लेखा उखली ले मधुसूदन के भरपूर साथ दियो और काम काज में कोनो कमी ना होके चाहिए भैया खेती के बातें छोड़ दी खेत के बात छोड़ दी सब जाए जे बानु साफा जाए जे उजरे उजरे अरे का मतलब उजरे उजरे पानी से उजर के ढेला उजर ढेला उजर बारिश आज दो चार दिन से बारिश नहीं क्या होता है चार बोरा खाद 40 को जाना एक दिन ट्रैक्टर के जोताई चार दिन कोदारी के चलाई मेघ को दिन न आई हे भगवान ये तरी अगर बारिश ना होई तो हम तो सब किसान के का हाल होई खीस के मारे चनेरा बोद दी सब में चिंता मत कर बे भैलू अरे भगवान के घर में देर बांध देर नहीं के बारिश जरूर होई हमने के खेती बाड़ी जरूर हुई बबुआ चिंता मत करे भगवान पर आशा रख घर में सब सब व्यवस्था भरी बा एक बीघा धान बटे रोपाई दो गो हरामा से ना कटा सकिनु तो हम मधु भैया लाठिए से पीट के झाड़ दे अरे दो बीघा धान लाठिए से पीट के झाड़ देबे ट्रैक्टर वाला में जेबे ना करियो ओकरा फायदे ना होय वाला आशा रखबे भैलू भगवान जरूर पानी बरसाई है और हमने के खेत जरूर हरा भरा हो हरियाली से छाई लेकिन भैया हमने तो किसान बने दिन रात मेहनत करके खेत में कमाई नहीं करी नहीं आ रहुआ तो कलकत्ता में बच्चा पढ़ाई हाँ भैया लेकिन ये बताई भैया जब कलकत्ता से घर आनी है तो रास्ता में कोनो दिक्कत ना भाई हम एगो टीचर है
भले हमरे काहे दिक्कत हुई, बहुत सुरक्षा से आई है, पर स्टेशन में तुहरी इंतजार करे तो नहीं कि पे भेलू हमरे खातिर लेबे ना आइला। फिर यो बात सोचनी कि बहुत भाग पे काम काज बा भेलू, पूरा काम में भुला के भेलू, तुझे कष्ट क्या है? काम काज ना रहे, हम सवेरे से बैठले बानी, लेकिन गाड़ी ना ले के लिए तेल के महंगाई के चलते। बहुत बढ़िया बबुआ, ये सोच रखिया इतना महंगा तेल हो गई बा कि आजकल मोटरसाइकिल चलाई मुश्किल हो गई। हां, सब घुसौली में धा देनी। अब देखते हमने के किसान के अन्न सस्ता हो गई, हर चीज महंगा पड़ गई, बड़ा मुश्किल बा। भैया जब बात कहे हमने के मुंह काहे सुखल बा, उहे तो जाने के चाहत रहे कि थोड़ी के मुंह पर बारे काहे बोले। ये से कि अभी हमने खाना नहीं की खैले। अरे बाप रे, अरे बॉस बॉस गए अभी घर में थोड़ी के खाना नहीं खेले। अरे क्या हमने अपने के इंतजार में कोई सब सब बलवा कि अपने यार हमने सब बलवा मिल के एक साथ खाना खाई जाए। ये भगवान भगवान से प्रार्थना बा कि जिंदगी भर सदियों तक हमारे घर में यह रीति रिवाज रहे कि एक दूसरे के राह देखे, एक दूसरे के बिना कोनो पानी तक न पिए। भैया बड़ा खुशी लागल खातिर तू सब अभी तक भूखे रहलू। भैया लेकिन ये वो बात हमरा जानकारी नहीं खे, हमने के एक साथ ही एक बेर खाना खाए। ई त मधु भैया हमरा से कहलक कि भैया जब तक नहीं तो ले खाना नहीं के खाए के, लेकिन एक साथ एक थारी में बैठ के खाएला के बाद उससे फायदा का है? अरे सबसे बड़ा संस्कार के बात है, सबसे बड़ा प्यार के बात है, एक साथ बैठ के संपूर्ण परिवार के खाना खाए में संस और फायदा और प्रविधि बहुत घर के संस्कार बढ़ेगा। अरे हाँ घर ना ही मंदिर हो जाए। भाभी खाना सब भाभी से खाना लगाई, सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए। ले रानी बिटिया मोहन बाबू बैठा हो मोहन, खाना पहले पहले तू खाना। पहले ये बच्चा में हर जाइ हो क्या बात रही। ए रानी बिटिया खा बोल दे। पहले खाना गईला से ना जाने कितना बच्चा के भविष्य खराब हो जाए। हम जानते नहीं कि भैया दो दिन खातिर छुट्टी लेके आए बड़े, भैया के जाए के परी पर का भैया ठीक बा, हम लोग के बेग तैयारी कर देले बानी। लक्ष्मी तेरे अब तोरे के कुछ समझावे के बा हमरा। देखा हमरा घर से बाहर निकल गेला के बाद में ई घर के बोझ तोहरा सर पर बा। आई तू घर के एगो औरत ना, एगो नारी ना, जे तरीके हमरा खातिर तू लक्ष्मी बड़ू, वही खातिर सब खातिर तू एगो माई बड़ू। माई के तो हम ना देखनी, मधुसूदन के तो कुछ था ही नहीं के। ऐसे जब से मधुसूदन आँख खोलक तोहरे के माई के रूप में देखलक, ऐसे मधुसूदन के अपना देवर ना बेटा के समान दी है। और समय से मोहन बबुआ के रानी बिटिया के स्कूल भेजत रही है, ये पर पूर्ण ध्यान तो हृदय की हो चाहे कि मधुसूदन के एक मिनट चढ़ नहीं रहा खेती बाड़ी से, और रानी के माई के भी घर के काज से फुर्सत न रहेला, ये पर तू दिमाग दो रही है। मधुसूदन भौजी केवल आदेश करी, तू हो जाना तरह हमू जानता नहीं कि एक स्वास्थ्य ठीक नहीं के डॉक्टर आराम करे के पहले बार, पर लक्ष्मी टाइम से दवाई खाते रही है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बबुआ भौजी जी आदेश करी, वो भैलू तू मिलकर काम करी है। अरे हम जाते नहीं तोड़े के मुँह कहा लटके ले बड़े अक्षर बुझाता कि कब आवे ना करा। अरे वो कहा बड़ा बेटा, अरे रोए के नहीं आओ ये नहीं आओ मोहन कहा रोए करो बेटा, बोला हम फिर दो महीने के बाद आई, तोरा कुछ चाहिए तो बोला तोरा खातिर हम लेके आए। बोला बाबू हमरा चाहिए बाबू जी किताब आ कॉपी। किताब और कॉपी बेटा तोरा पर बहुत विश्वास बा, बड़ा आशा बा मोहन, खूब मन दिल लगा के पढ़ी हाँ। अजय तरी आज आज तोहर पापा है तो स्कूल के हेड मास्टर बा, तू भी पढ़ के अफसर बन के दिखाई हाँ। तो मैं सिर्फ उम्मीद बा बेटा हम एक दर्जन कॉपी एक दर्जन नोट ले काम करा खाती मधुसूदन तू कहे पोलट के ले बबुआ, सब कुछ ना कुछ बात रखलक ना, तोरा कुछ चाहिए तो बोला हम आए तो तोरा खातिर ले ले आए। भैया
हम धरनी किसान आदमी हमें तो देखे में कुछ नहीं के लगा कि हम अपने समांगे हम इतने चाहें कि अपने अच्छा से रही हम इन पर ख्याल करी ये हम अपने समांगे हमारा श्रीमान सदा के लिए तोरा खातिर बा पर पूछो तो मांगा कि एगो भाई घर में बा जो खून पसीना एक के घर में काम करत बा ओकरो खातिर कुछ किया सर हम तो खुशी लगी अच्छा अरे हमें दिन जला किसानी कर दी सर भैया से बोले सब चीज मांगी हो कि ठीक हो हमर सोच अलग बा तोहरा मांगे के बा तो तोरा दिन भर घाम में हर ठेले के होखेला ये बात तो सही बा कद सत फरवा किले भैया हमरा किसानी करे में बहुत दिक्कत होता हर चला तो हम हार जाता रे हमरा के सत फरवा हार लिया के दे दी सत फरवा सत फरवा मल्होत्रा को जूते वाला सत फरवा जो में सात में चक्कर है ना सी हां मल्होत्रा कंपनी मल्होत्रा जमुनी से आए ना ता हमरा ला एक पीस मतलब ये गो केनु स्टेशन पर से खोज के चाहे कीन के हमरा ला सेकंड हैंड एगो मौगी लिया जिंदगी में पहली बार सेकंड हैंड मेहरारू सुनता नहीं रे कि सेकंड हैंड मेहरारू कैसन होखेला केतना अगुआ आल भागल हमर बियाह नहीं के होए वाला वही से हम अपन जीवन कटा ले हम हमरे ये समझ में नहीं कि बंद कि मेहरारू सेकंड हैंड कैसन केकरा कहला कैसन के शादी बियाह होके जाला न आ एक मर्द पर रह गेल तो एक नंबर होला आ उ लगले मोबाइल द्वारा भागल सरे में ओकरा सेकंड हैंड कहले अरे भाई तू तो जान दे तू हमर घर में नौकरी करल लेकिन तोरा के कबो नौकर के हसियत से ना देखी दे तू तो हमरे वो भाई हो आई सात साल अपने भाई के बियाह सेकंड हैंड में हरानी से कराई तोहरा के लड़की से बियाह करा तू भाई विश्वास कर आशा रख कि शाम लाल तोरा के बड़ी धूमधाम से कुमार लड़की से बियाह कराई खानदान ही संस्कारी से हाँ तो भैया एक महीने के भीतर में अगर ना भई तो हम मौगा ऑफिस में जाके कह ले अरे बाप रे भाई ओकर मत ना ले बाबू गांव गांव में जा गइल बा हमर ना कर जा कटा जाए का कही लो कि शाम लाल भी भैलुआ के भाई समझत रहे और ओकर भाई घूमत तो मौगा के साथ खानदान के नाम मिटा जाए नाम कट जाए चलन मुश्किल हो जाए अपने नेपाल में आधा विद्यार्थी मौगे से करैता शादी भी आ रही हां अरे मौगा लोग शादी भी करे हां सिंदूर कर लेता वैसे नहीं खोज के कर ले अरे कब मुना अरे हम तो चीजें मुश्किल हो जाए चलन मुश्किल हो जाए मौगा से शादी मत करो हमर बियाह करा दे तो हम बियाह करा आ जा सब मोरा हंसी खुशी हमरा के विदा करा हंसी खुशी विदा करबो तो आ आ आ भैया हमने के दू घड़ीला हंस खेला के फिर चल गई भाऊजी टेंशन लेके करे के भैया फिर आ जाइए वो सुमारी के रहल बात के घर के तो मलकिनी तू है बारू आ तू जवन कहबू वे घर में होई त ई बताओ हमने के कौन कौन काम में लग जाए तोहार काम ये बटे हां से जब बसवारी लेके जमीन बा हां बसवारी वाला खेत हां हां तो ऊंच खाल बा के अच्छा ऊंच पे के माटी करके बीच में कर दियो भाऊ उ बंगवाती के मारल नीच उच बा आदमी से नीमन होई ठीक बा छंकी कोदारी उठावा बंगवाती में बालू वाला जमीन काटो आवे भईलो हमने मेहनत कई है ना कुछ भी हो सकेला बंगवाती में हाँ मार दबा केला छोड़ के पूछो न हो चला कोदारी लेके चलो हमने कोदारी लेके काम करे भाजी हाँ बेलाई लो आरानी या मोहन बाबू का कौन काम करे अच्छा तो इन दोनों के खिलाए के स्कूल पे पैदा ठीक बात दीदी हम पढ़ाई लेते हैं भाजी हम ले तो काम में जा रहा हूँ बानी आ मोहन बाबू आ रानी बेटी चल गए कॉलेज पढ़े लेकिन हम ले के मधु भैया के साथे काम करे जब बंगवाती में जा रहा हूँ बानी तो वो में मेहनत से काम करे
हमने ला सवेरी खाना बना के ले आई ठीक भैया कथी कथी ले आ दे कथी कथी आ दे हो तुहे कहा ना दाल का तरकारी चौटनी कथी के शीशो के पाटा के हाय शीशो के पाटा के चटनी ना हो के दे हां टमाटर के पीस के आ दे टमाटर लहसुन ना भांटा के भांटा के चोखा होके चटनी ना हो के हां तो भांटा के चोखा ले आ दिया हम अभी के मन कर रहे हैं जा बनावत तू हमने के दाता ले सब हां मधु भैया हम ले आओ देखो तोरा लेबर में कमाई कमाई आदत हो गल बा बेलचा के तू ऊ चलावो हमर बेलचा चलाई हां ठीक है तो हम बेलचा चला ले लेकिन ई बेलचा से जब हम माटी कार के छीटे में रखम तो तू पूरा माटी काल के बिक दियो ने खलका में ला साफर को दे दो सही में बुद्धि नाम के चीज ही नहीं है का बोल दे भैया जब दिमाग लगा के न कमाइबो तो दिन भर कमाइबो काम ना होई काम करे से पहले दिमाग लगाना चाहिए दिमाग लगाओ हां कौन दिमाग लगाओ जाओ तू कोदारी चलाओ अच्छा छैटी में धरो ई उठा दे हम तो बढ़िया कोड़ी तोहरा मुड़ी पर तू पी के आई हो तौले हम बेलचा धैले रहो ये लेखा कमा कि दुलू गोड़े के मेहनत पर उगरे होई सत्व के थे भाई का ए भाई अरे महारानी मन बुद्धि बतैलो हमरा के सारा मेहनत हम अकेले करम तू घर में बैठ के सिर्फ खाइबो हमें में नहीं की खाली होइबो के खाते तू हमें रख न उठा दे तोरा बुढ़िया में पी लूर सिखा पीगे के लेकिन मार दो खेती बाड़ी के काम कर एको गीतो गावते काम को तो बोल लागत रही हमने के मार दो अरे गईबो तो गाओ जल्दी लेकिन हम कौन गीत गाई सरे हमें के अरे मार दो कोनो किसानी वाला गीत बा याद बा हमरा याद बा पीर जब हार है किसान आदमी सुनी लोग से का मतलब अपन मेहनत का अपन खेत में गाए हां पीर जब हार दे लेकर जाके शीशो के गाथी लम सूत रहल बोले का सूत रहा तू अपन कमाई है अच्छा तू पीर जब हार गा लगा ना चले ई कैसे चली मार तो हो कहई वाला चले कौन का हो आ गई का चल जैसे घर में चपक के छिपकी ली दीवार से फिर दिन पर आइल बाड़ू दिन से हटा से आज घर जाए तो थोड़ी पर छिल ग अरे कौन गाना हो आज भर ढील द थोड़ी पर छिल ठीक है ना चली तोरा गावे के लूर नहीं के तो हमर गीत सुनबो गावो नहीं हो हां ना तो हम चलो ठीक बा हम गावो तई तरह के इसने गाई ले हां मेला में गा देली वो तो पीना पीटे ले ना आई भाई बोलो बैठे ले ने अब खेत में काम ना हो सही कहा तारा पूछा काहे ना होई हां काहे ना होई बताओ टाइम देखो अभी 11 कोस फाजिल हो हम मार दो टाइम तो हो गई बाप के आप भौजी के कहने रहली हमनी के कितना प्यार से कि भौजी 10 बजे के भीतर में खाना ले आई हो ए भैलू भौजी के तंको हमनी के बारे में फिक्र ना होला उनका जब मालूम बा कि जे भैलू आ भवर देवर के लोग काम करे तो टाइम से खाना लेके जाई वो लोग मेहनत करता भूख के मारे हम पेट में चूहा कूदता अरे का कोई मार दो कि हमरा अपने भूख लागल बा बहुत कसके आप बिना खाले हमरा से एक कोदारी ना चले मन होय त काम करवाओ ना तो अभी जवाब दो देखो अपने घर के काम बा लेकिन खोले तो ठीके रहे लेकिन एगो बात हां ये लेखा अगर बान अगर भौजी के पकड़ा जाई तो हमने के बोतल चढ़वाए के पड़ी भौजी खाना लेके खेत में आवत ही है हमने के खाना नहीं के खाए के ठीक बात है बोलियो
खाना नहीं खाए के ना खा ले मर्दवा भौजी के आवे से पहले हमनी अपन अपन जगह पकड़ ल बोले के नहीं खे साथ ना बोले हमनी ना नु बोलबो ना तोरा बर्दाश्त ना होकेला दक्षिण भरे क्रिया खा जाने दक्षिण नहीं खे हेने दक्षिण भरे क्रिया खा भौजी से नहीं खे बोले के बोली ओकर मौगी मर जाए लेकिन तोरा साफ विश्वास न के हम बोलबे करें ना नहीं के तू खा के आ बोले तो हमर मेहरानी मर जाए हम कसम खाई हां हम न खा हम बियाह नहीं करबे लेकिन हम तू बोल देबे तो कौन बात नहीं के हम बोले तो खराब हो जाए हम ना बोले ना नहीं बोलबे ना तो ठीक बा हम क्रिया खाता नहीं हां अब तो नहीं के बोले के हां हम बोलबे ना करें मौगी मर जाए हां ना तो दूसरा में भाग जाए बहुत देर में मर जाए चली लेकिन भाग जाए जब ना चल ठीक बात बोले कि नहीं के जा बैठो ठीक बात हां अब क्या बताई ना ई बेरा हो गेल अभी तक ले खाना में लेट हो गेल ल का करी ना करी अब जा तानी खेत में अब दोनों के दोनों तक खिसी आइले होय अब देखो तानी आ बे भाईलू अब तो गलती हो गई अच्छा दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता नहीं लेकिन तू अपन सामान देवर पर माफी मांग तारी हम तो से हाथ ना जोड़ दे तो हम मां समान भौजी करू अब तू हम के हाथ जोड़ के माफी मांगू तो दुनिया वाला का कही जो से भरोसा उठे भौजी ई बताओ कि का भले में कि इतना लेट लागल खाना बनाओ में तुम तो लेट हो गए खाना बनाने में से लेट हो गए खाने में ए भाईलू ए भाईलू काय से बनाओ पवन सरोवर की जबरदस्ती कह के हमरा रुस ना तो हमार तक ले रुसल नहीं थे भौजी खाना में लेट आये कोनो टेंशन नहीं थे लेकिन जब तू कहलू कि देवर जी हमरा लेट ला गई एक खातिर हम हाथ जोड़ के माफी मांगा तानी ऐसा गलती दोबारा भौजी ना हो के चाहिए तू हमनी के भौजी ना माई बारू माई तो हमनी के नीचे देख ले लेकिन ये घर में एलू तो उन दिन से हमनी के माई महसूस ना हो हमनी के भौजी ना एगो माई बारू भौजी आ एगो माई अगर बेटा के सामने हाथ जोड़े वो अच्छा बात नहीं खे हमनी के जोड़े गलती हमनी से भईल भौजी कि तोरा आवे से पहले हमनी के अपना जगह में रुस गए रहनी खाना खाए खातिर तैयार बनी हम लेकिन भौजी इतना धूप में इतना वर्षा में बरसात में तू खाना लेके अलू हो अगर तोहर बीमारी वाला देह कुछ हो जाए तो हमनी के भैया के क्या जवाब दे मधु भैया भौजी के आवे के चाहिए तू का अलू रानी के माई ना रहे घर में उ बात ना बा हमरा रहते उ घर चले के तनी मंगा के ए ऐसे की तोरा से छोट बिया हम से छोट बिया हो तो करा के तू बहिन ले खा माने लो हां तुम तक ले बानी अंदर रहे तो घर चले के तो लोग का कोई एगो सीता आ दूसर का तू ही नजर आवेलु जा के पीपर के छै लगे बैठो भौजी हमने खाना खा ले छ जा बैठो हम ए मधु भैया अबे भैलो अरे रे भैलो खाना आ गेल बा हां तो खोला में लो खाई जाओ ए आ
अरे तो सुमन जला खाना के अब इन मत कहिया कि तू कुत्ता मारे स्वाद चिक देख छे परत अनी सारे हमें के खाना कैसा स्वाद आवेला अरे भैया ने बहुत आनंद मिलेला अरे भाभी को भूख लागलो बहुत जोर के बैठ बैठ हाथ धोले बड़ा कि ना अरे हाथ धो के हम आलबानी मार दो हम किसान आदमी बानी खेती बाड़ी के काम करें तो बिने हाथ धोले खले कैसे खा लेंगे ए रे ए अब तू हाथ नहीं कि हम धो ले भाई लेकिन तू हाथ धो धो के आओ पहले मतलब सौन देवे दो तो हाथ धो जाए अरे पूरी सौन देवे तो हाथ धो लीबे हमरा ते अकल माने कहले को खेत में कमाइए तो हाथ ना धोइए कासी बुझाता हमरा तोरा के डॉक्टर माने कहले बा कि खेत में काम करे ओरिजिनल किसान होई ना तो खेत में हाथ ना धो शुरू करा आधा पर तू ले ला आधा हमरा दे दा अरे मुंह धोले मारे किनारे तू कहियो कहियो आ नया साल के दिन ना धोली नया साल के दिन है सब लोग वो दिन मांस मछली खा कर तब मुंह धोले रहे अरे बोली वो यंत्र पे तो बीमारी नहीं हो जाए तो ना रे बीमारी हो जाए ये मुंह धोके खाए ला पर आनंद मिले ला तोरा जोरे खाए के बाकी ना खाए के बा खाने तोरा समय काम करने में दोनों जना भाई बहन सुन तो खाए के पड़ी तो हां खा खा ये पूरी तू खोए पूरी हम खा तो हमारा खाना लेवे जब तू बाद में खइयो बाद में ये पूरी तू खो तोरा का हो गेले भौजी का जाने बे भैया बड़ी कस के तबीयत खराब है हमारा मधु भैया अब भैलू तू जल्दी कप के डॉक्टर साहब के घर जा अब भैलू भौजी के अचानक पेट में दर्द आ गेल ठीक है भैलू हम जल्दी जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कहीं डॉक्टर साहब हुई हम बोला के ले आओ ठीक है भैलू ना अगर भौजी के कुछ हो गई तो भैया के हमने क्या जवाब दे हम कोई बात ना जल्दी हम अभी जाते नहीं जा डॉक्टर के भौजी के ख्याल रखियो भौजी के हम घर के जी में हां हां जा जा भौजी तोहरा के नाम मारे दे तोहरा के नाम मारे दे भौजी डॉक्टर के लाइन लगा दे पूरा मलांगवा फ्री कर दे हम एको को तो सरकारी न बेलू अरे डॉक्टर साहब तो घरे नहीं थी कहां गई बा कहूँ मालूम नहीं कि कहाँ गई बनी कौन मेरे जी की भैया देखे गई बनी चलो बैठा बिल बैठा भाऊजी रानी मोहन जल्दी आ बोलो जल्दी आ भाऊजी के अचानक पेट में दर्द से भैलू भैया लगे फूल लगाओ ऑपरेशन बुलाती है जल्दी मालिश करो ए भैया मजाक के टाइम नहीं खाई जल्दी भैया लगे फूल लगाओ भैया के बुला लो यहां से मोबाइल 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 चार्ज में के हम अरे जल्दी बुलाओ मेरे को हां हां टेंशन ना करो अभी फोन लगाओ तनी हम 98072690 इमरजेंसी में उठाओ ना करना हाय साला गलत नंबर लागे 98 ले बबलू अरे जल्दी कर मार दो 98072690 हेलो हेलो हाँ बड़का भैया हम घरे से बबलू आ हाँ हाँ जल्दी 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 घरे आवो का ना भइल जल्दी आवो भौजी के अचानक पेट में दर्द उखड़ गई बा जल्दी आवो भैया ना तो भौजी बेहात हो जाई लगा तो भौजी के बाहर लेके जाए के परी जल्दी आवो एम्बुलेंस भाड़ा कराओ ले
कहाँ भाई बाबू? अरे हम रास्ते में तोर फोन आ गई भैया भाई बाबू बड़ा जल्दी में बोलत रहे भाऊजी के खेते में भाऊजी के खेते में पेटगड़ी उखड़ गई। मुझे सीरियस पकड़ गया। हाँ, अरे चलो सर दिखा दे। लक्ष्मी, 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 कहाँ भाई लक्ष्मी? आप बोले, कुछ बोले लक्ष्मी? आज जी, हमारा बेसिक तमाम नारा कर रहे अब हम आज जी। ना आशीर्वाद मत कहा, लक्ष्मी तेरा कोई पूछो ना होई। दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर से इलाज कराए हम तो ठीक हो गए विश्वास करो। अरे हम घर द्वार जान तक भेजते हैं तोरे खाती तुम्हारे लिए कुछ ना हो जाए लक्ष्मी ऐसा मत कर। अब हम सोने चलोगे ना लक्ष्मी ना। अरे हमने भी छोड़ के मत जाए लक्ष्मी ऐसा मत कर तू ठीक हो गई वो ठीक है मत करो चला चलो तो हॉस्पिटल चलो। हाँ जी कैसे बता बेटा कैसे बदल बोला इस बार करी से हम अकेला के बाद केवल दोस्त किया मैं कोई अंदर पापा मोहन मोहन के सौदे ना मारता हूँ और जैसे अंदर हुआ था मास्टर बने उनको रखो मास्टर बने भैया भौजी शायद इतने दिन लाहे रहल आज हमने के छोड़ के चल बसल काबू रख बड़का भैया। अरे घर में केतना मजर लगे रहिलु ये लक्ष्मी आज हम सबके छोड़ के चल गई अब भौजी अभी दुनिया में नहीं थे अब हम लिखे जवान अभी के जवान करता भी अब पूरा करी ये तो जल्दी आग भर के चल गई ना कहाँ चल गई ना हमने छोड़ के लक्ष्मी बात तो सुना भैया को उठाओ चलो घाट पहुंचा दो